वेलकम बैक टू टेक गाइस नरेश, और आज हम राइजन सीपीयू 3700X एंड जीपीयू आरटीएक्स 2060 का एक साल बाद का रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि मेरे सीपीयू को अब एक साल हो चुका है इस मंथ में, अक्टूबर 2020 में, तो उसके बाद का रिव्यू मैं आज बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बेंचमार्क चेक करने वाले हैं सीपीयू एंड जीपीयू का, और उसके लिए गीक बेंच 5 एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं। तो एक साल के बाद क्या बेंचमार्क आता है वो हमें पता चल जाएगा। बेंचमार्क चेक करने के बाद अब हम सिस्टम का बूटअप स्पीड चेक करने वाले हैं। और राइजन सीपीयू में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि थ्रूआउट द ईयर मुझे बूटअप स्पीड कांस्टेंट मिला है, जो कि इंटेल में बहुत रेयरली दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम बूटअप होने में 27 सेकंड्स लगे हैं लगभग, और इसके बाद अब हम फिल्मोरा में 4 मिनट का वीडियो रेंडर करने में कितना टाइम लगता है वो देखेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं फिल्मोरा में 4 मिनट का वीडियो रेंडर करने में मुझे 4 मिनट 49 सेकंड्स लगे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। वीडियो रेंडरिंग के बाद अब हम हेवी यूसेज का टेस्ट करेंगे, और उसके लिए हम क्रोम में मल्टीपल टैब्स ओपन कर देंगे और क्रोम को बैकग्राउंड में डाल देंगे और एपेक्स लेजेंड गेम खेल के देखेंगे कोई फ्रेम ड्रॉप होता है या लैग होती है और जीपीयू कैसे हैंडल करता है वो देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गेम प्ले में कोई लैग नहीं दिखाया, फ्रेम ड्रॉप नहीं दिखाया, बहुत अच्छे से चली गेम। तो Ryzen एंड RTX ने बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो और आपका बजट 1 से 1.5 लाख के बीच में है तो आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं।